हेलो दोस्तों, आप भी आज सोच रहे होंगे कि मैं आपको सुबह सुबह रेल की पटरियां क्यों दिखा रहा हूं। तो मैं आपको एक ख़ास बात बताने वाला हूं। मुझे एक साल से ब्लड शुगर की शिकायत है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं कोई भी दवाई नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ एक्सरसाइज से और दौड़ने से और फ्रूट्स वगैरह खाने से इस शुगर को कंट्रोल कर लिया करता हूं। और दौड़ने के लिए मुझे गोलापार जाना पड़ता है। अभी मेरा सुबह सुबह का जो टाइम है ये मॉर्निंग वॉक का है और मैं मॉर्निंग वॉक करूँगा। कम से कम 4 या 5 किलोमीटर मुझे दौड़ना पड़ेगा और दौड़ने के बाद मुझे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। ये सामने देख रहे होंगे आप, ये पुलिस की सिटी पेट्रोल कार खड़ी हुई है और यहीं पर मैंने भी अपना ऑटो पार्क कर दिया है। ये गोलापार के पुल का एरिया है। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं अपना सफ़र और मॉर्निंग वॉक के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन हवा चल रही है सुबह सुबह। ये बात आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस बात से कि मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं, बहुत तेज़ हवा है सुबह की। लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूँ। पहले मैं रोज़ आया करता था, रोज़ इस हवा से मेरा मुकाबला हुआ करता था, लेकिन मैं लापरवाह हो गया था। मैं खाने पीने में लापरवाह हो गया। मैंने खूब ढेर सारी मिठाइयाँ खाई, चीनी खाई, मीठी खाई, चावल खाया, रोटी खाई, सब कुछ खाया, इसलिए मेरा शुगर थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है और इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए मुझे दौड़ लगाना पड़ेगी और सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेरे अलावा यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। देखिए, पीछे से एक लेडीज़ भी आ रही हैं, ये भी मॉर्निंग वॉक करने आ रही है। मॉर्निंग वॉक हमेशा फ़ायदा ही देता, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको नॉर्मली हम लोगों को सभी को करना चाहिए। ये पंछियों का नज़ारा देखिए आप, ये सुबह ही निकलते हैं, रोज़ का यहाँ इनका नियम है। सूरज भी निकलने वाला है थोड़ी देर में। ये आपको शायद दिख रहे होंगे ये उड़ते हुए सफ़ेद सफ़ेद बुगले। बुजुर्ग जो भी कहा करते थे बिल्कुल सही कहा करते थे। ये देखिए ये पंछी कैसे उड़ रहे हैं सुबह सुबह की हवा में। आप अब देख सकते हैं कि जब ये पंछी भी सुबह सुबह निकल जाते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं निकलते बिस्तरों से बाहर। अगर हम लोग बिस्तरों से बाहर निकल जाएंगे ना तो आज की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हमारी चल रही हैं, ये बीमारियाँ, ये शुगर, ये हार्ट पेशेंट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। ओह, यहाँ पर इतनी ठंड है कि मुझे सुबह सुबह अपने अपर का टोपा पहनना पड़ रहा है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार हवा चल रही है। अगर आप लाखों रुपए खर्च करके भी ऐसी हवा पाना चाहेंगे तो नहीं पा सकते। मेरे पीछे पहाड़ हैं और मेरे नीचे नदी है और ये नदी बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा पानी के साथ बह रही है, आपको दिख रही होगी। अब आप सोचिए, जब पहाड़ों से डायरेक्ट हवा आएगी तो फिर आपका शुगर कहाँ जाएगा? कोई सी भी बीमारियों में सोचता हूँ यहाँ पर आकर सब ठीक हो जाएगी। तो मेरा हल्द्वानी वालों से इतना कहना है कि आप लोग रोज़ सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए आएँ, अपनी सेहत को सही करें जिस तरह से मैं आया हूँ। और आप लोगों से मेरी मुलाकात रोज़ाना होती ही रहती है। मेरा यही संदेश आपके लिए है कि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। अगर आपकी सेहत सब कुछ सही है तो फिर कोई परेशानी आपको नहीं है। पिछले एक साल से मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोई दवाई नहीं लेता और इसकी वजह यही है कि यहाँ पर एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है। और अगर आप लोग भी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर शुरू करें कल से एक्सरसाइज और आ जाएं गोला के पुल पे। यहाँ पर सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है। देखिए, ये चाचा भी जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं अपनी दौड़ लगाता हूँ। अगर मैं आपसे बातें करने में रह गया तो मेरा काम और मेरी दौड़ दोनों ख़राब हो जाएगी। फिर मिलते हैं। सारी चीज़ें नियमित चलती हैं, पंछी भी टाइम से उड़ते हैं और घूमते हैं और अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। एक इंसान ही है जो इस दौर के अंदर सिर्फ बदल गया है, जिसने अपने आप को बिल्कुल लेजी बना लिया है। बस खाना 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 और कुछ नहीं। इसके अलावा भी ज़िंदगी का एक मकसद है, उसको पहचानना चाहिए इंसान को। जब कोई एम ही नहीं होगा तो फिर वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। ये देखिए कितना शानदार दृश्य बनता है। इस वक्त मैं गोला के पुल पर खड़ा हूँ और ये मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये थोड़ी सी मेरी मजबूरी हो गई, मेरा शुगर थोड़ा सा बढ़ चुका है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये कंट्रोल में आ जाएगा। पिछले आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मैं पिछले एक साल से शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन मेरा शुगर कभी लेवल नहीं बढ़ता। उसकी वजह मैं सिर्फ दवाई नहीं खाता कभी भी, लेकिन मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गया हूँ और अब मेरा ये टाइम एक्सरसाइज। तेरा हर जाई साथ ले जाऊंगा ये रुसवाई।
हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछले एक साल से डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, और जब ये बढ़ जाती है तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करता हूँ। मैं दवाई तो कोई लेता नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन हाँ देखिए, मेरा जो इलाज है वो ये है। ये फ्रूट पपीता है, अमरूद है, सेब मैं खा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें खाने से शुगर 3 दिन में कंट्रोल आ जाता है। तरीका मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपका। जिस किसी को भी शुगर हो ये देख सकते हैं आप। पपीता, मेरा वज़न 60 किलो है, तो मुझे 600 ग्राम सब्ज़ी या फ्रूट खाना पड़ेगा और मैं खाऊंगा। इंसान अपनी सेहत के लिए कुछ भी करता है। अगर आपको भी शुगर का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टिप्स ले सकते हैं। बिना दवाई के, बिना इंसुलिन के आप ठीक हो जाएंगे। दिवाली के बाद तो सड़कें भी सुनसान पड़ी हुई हैं बिल्कुल। ऐसे मौसम में ब्लॉग बनाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि काम नहीं है, सवारी वारी का तो कोई पता ही नहीं है। खाली खाली गाड़ी चला रहा हूँ, एक भी सवारी नहीं है। अरे आ जाओ सवारियों, कहाँ हो तुम? घर से निकल गया हो भाई, अपने अपने कामों पर जाओ। सबने दिवाली मना ली, बहुत दिवाली हो गई, अब तो आ जाओ, वरना गरीब ऑटो ड्राइवर्स का क्या होगा मेरे भाई, जल्दी निकलो। देखते हैं कोई ना कोई सवारी तो मिलेगी। दोस्तों कैसे बनाऊं मैं ब्लॉग? मेरा तो बड़ा मूड ख़राब है, मुझे सवारी नहीं मिल रही है।